हेलो फ्रेंड्स, एलके गार्डनिंग में आज आपका स्वागत है। और देखिए, ये है रबर प्लांट का पौधा है ये मेरा। तो ये मैंने मंगाया है नर्सरी से, जो कल मेरे पौधे आए उन्हीं के साथ था ये भी। तो देखिए, ये नर्सरी पॉट में है, ये छोटे वाले में। और इसकी देखिए ब्रांच, दो ब्रांच आ रही है, एक टेढ़ी जा रही है इसकी। ये ऐसा मेरा प्लांट है, इसको मैं निकाल रही हूँ। और देखिए, निकालते समय मिट्टी गिर भी गई है, तो इसको ये मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए जड़ इसकी। अब इसको मैं ऐसे कैसे निकालूं, वही मैं आपके साथ शेयर करेंगे और इसको रिपोर्ट भी करूंगी साथ साथ में। तो पूरी वीडियो देखिएगा तो आपकी समझ में आ जाएगी कि अगर आपकी जड़ ऐसे फंस जाए किसी ड्रेनेज होल में तो कैसे निकालनी है, बचा के इस जड़ को। तो वही मैं आपके साथ दिखा रही हूँ आपको। चलिए फिर देखते हैं आगे वीडियो को, और निकालती हूँ और रिपोर्टिंग करती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो, और कुछ कमेंट्स अगर देनी हो तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि कैसा है ये प्लांट और कैसे मैंने निकाली है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और चलिए फिर चलते हैं आगे, बढ़ाते हैं वीडियो को। तो ये देखिए दोस्तों, ये वही जड़ है। इसको मैं हाथ से पकड़ के अंदर की साइड में प्रेशर कर डालूंगी इसके ऊपर, जड़ के ऊपर, क्योंकि मैं नीचे से भी एक हाथ से प्लांट पकड़ रखा है मैंने मिट्टी समेत, और ऊपर से इसमें मैं सिर्फ जड़ को ही प्रेशर दे रही हूँ नीचे की साइड में, ताकि ये जड़, और ये जा भी रहा है धीरे धीरे करके जा रहा है। और जल्दी जल्दबाजी बिल्कुल ना करनी है ऐसी जगहों पर, क्योंकि फिर हमारी जड़ टूट जाती है तो प्लांट किसी काम का नहीं रहता। तो ये देखिए, तो ये अच्छे से निकल गया। और देखिए, हमें पॉट भी नहीं काटना पड़ा और हमारी जड़ भी एकदम सही निकली है, किसी तरह की हानि नहीं हुई है। और इसको मैं, और ये मैंने सेरेमिक पॉट लिया है, जो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली हुई है, मैं लाई थी पॉटों को। तो ये दो पॉट मेरे अभी हैं पीले वाले, तो इनमें आज मैं लगा दूंगी। तो एक में तो मैं ये रबर प्लांट लगा रही हूँ, और दूसरे में मैं पीपा में लगा हुआ है मेरा डिफिन बल गया, तो उसको लगाऊंगी। तो ये देखिए, ये मैंने लगा दिया। मिट्टी मेरी वही है, कई महीने पहले बनी बना के रखी थी, वही मेरी मिट्टी काम आ रही है, उसी को मैं डाल देती हूँ। आप चाहें तो इस जगह पे फंगस पाउडर जरूर डालनी डालिए, क्योंकि मेरे पास तो था नहीं और मैं हल्दी डालना भूल गई, लेकिन मुझे हल्दी भी डालनी थी इस पर। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं बाद में इसमें फंगस पाउडर ला के पानी दे दूंगी उसका, तो ठीक रहेगा। और ये पत्ते मेरे गंदे आए थे नर्सरी से, तो इनको मैं साफ कर रही हूँ। तो ये देखिए, और ये तिरछी है, एक डाल कहीं जा रही है और एक डाल कहीं जा रही है, तो इनको मैं सपोर्ट दूंगी। देखिएगा ये सपोर्ट मैं कैसे दूं, दे भी दी। ये देखिए, इसको मैंने जो कट्टा की तांत आती है उन्हीं से बांध दिया हल्का सा, और ये ऊपर में, और एक सरिया इसके गाड़ दी मैंने पॉट में ही, और ये मेरा प्लांट तैयार हो गया। देखिए कैसा लग रहा है, बताइए आप ये, और काफी बड़ा है ये। चलिए चलिए फिर, बाय बाय, थैंक यू।